हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम दत्त। आप देख रहे हैं सिंपल टेक्निक चैनल। आपका हमारा सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ कि जिस तरह से आप यूट्यूब में आइकन लगाते हैं, यूट्यूब में अपना बैनर लगाते हैं, फ्रेंड्स अपने यूट्यूब के नीचे वाटर मार्क लगाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के, जिस तरह से मेरा वाटर मार्क देख रहा है एसटी का, फ्रेंड्स उस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल में मनपसंद आप किसी भी तरह से वाटर मार्क लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि फेसबुक में आप कवर फोटो चेंज करते हो, वैसे आप यूट्यूब में भी अपना बैनर चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड जो बैकग्राउंड बैनर होता है उसको आप इजीली वैसे चेंज कर सकते हैं, ताकि आपका चैनल में अगर कोई भी क्रोम से खोलता है या फिर ऐसे खोलता है तो उस चैनल में उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े, फ्रेंड्स व्यूअर्स का अच्छा इंप्रेशन पड़े आपके चैनल। आपके चैनल में कुछ क्रिएटिव ऐसा आइकन में लुक हो जो आपका चैनल देखने में अच्छा लगे, फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा शुरू से अंत तक किस तरह से आप अपने चैनल में आइकन को लगा सकते हैं या फिर आइकन को चेंज कर सकते हैं, बैनर को लगा सकते हैं या बैनर को चेंज कर सकते हैं और वाटर मार्क आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखिएगा फ्रेंड्स, वरना आपको समझ में नहीं गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम खोल लीजिए। गूगल क्रोम खोलने के बाद आप अपने उसमें चैनल को लॉगिन कर लीजिए। फ्रेंड्स जो आपका चैनल लॉगिन है उसमें चैनल को लॉगिन कर लीजिए। चैनल को खोलने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर धनबाद में थोड़ी नेट स्लो चलती है जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स देखिए मेरा यहाँ पर चैनल खुल चुका है। चैनल खुलने के बाद यहाँ पर आप कस्टमाइज पर जाकर क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर कस्टमाइज पे क्लिक हो गया मेरा, यहाँ पर चैनल कस्टमाइजेशन पे आ गया है मेरा फ्रेंड्स। यहाँ पर चैनल कस्टमाइजेशन आने के बाद आपका यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड्स, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। तीनों में से आपको बीच वाला जो आपको ब्रांडिंग है उस पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आपको उसके बाद तीन ऑप्शन दिया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पिक्चर, बैनर इमेज और वीडियो वाटरमार्क। फ्रेंड्स यही एक जगह है जहाँ से आप अपने वो पिक्चर को और बैनर को और अपने वाटर मार्क को लगा सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आपका यहाँ पर आइकन ऑलरेडी लगा हुआ सा है तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको रिमूव पे क्लिक कीजिए, वो ऑफर हट जाएगा। उसके बाद दोबारा आप उस पर अपलोड कर दीजिए। और अगर आपका इमेज या बैनर लगा हुआ नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। अपलोड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने एक पिक सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद डन कर दिया फ्रेंड्स। देखिए डन करने के बाद यहाँ पर मेरे को उसको साइज परफेक्ट साइज पे उसके स्क्वायर के साइज पे देना चाहिए, किस तरह से मैं किस साइज को उसको सेट कर सकता हूँ आप उसको सेट कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आप उसको सेव कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वो आपका आइकन चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर बैनर इमेज। बैनर इमेज में भी सेम वही केस है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको कोई भी एक बैनर चूज कर लेना है फ्रेंड्स। बैनर चूज करने के बाद उसको डन कर देना है। बैनर चूज करने के बाद आपको डन कर देना है। उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको उसमें पिक्चर क्वालिटी आप अपना अगर देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने बैनर और पिक की इमेज को रिसाइज करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो पे एक चैनल पे एक वीडियो बनाया है कि अपने पिक को किस तरह से क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जाके उसको देख लीजिए और वहाँ से आप बैनर को रिसाइज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर उसके बाद आपका बोला गया है वीडियो वाटर मार्क फ्रेंड्स। वीडियो वाटर मार्क से वही कैसे आप यहाँ पर अपलोड कर दिए फ्रेंड्स। उसके बाद आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और डन कर दिए उसमें आपका, और उसको डन करने के बाद आप उस साइज चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर दिए फ्रेंड्स, वो आपका वाटर मार्क यहाँ पर देखिए मेरा वाटर मार्क आ गया फ्रेंड्स। ये वाटर मार्क यहाँ पर आने के बाद मेरा कुछ यहाँ पर इस तरह जो ऑप्शन आएगा एंड ऑफ वीडियो, मतलब आपके वीडियो के लास्ट में आपको वाटर मार्क को शो किया जाए या फिर कस्टम स्टार्ट टाइम आपका शुरू में ये वीडियो वाटर मार्क को स्टार्टिंग में दिखाया जाए या फिर इंटायर वीडियो, मतलब आपका शुरू से अंत तक ये वीडियो को वाटर मार्क को दिखाया जाए आपकी वीडियो में फ्रेंड्स। तो बस यही था फ्रेंड्स आपका, किस तरह से आप अपने आइकन पिक्चर को और अपने बैनर को और अपने वाटर मार्क को लगा सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत इजी प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।